जय हो। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, वुड नेवर मिस अपडेट्स फ्रॉम चरम मंगल। 2019 ये नया साल हम सबको मुबारक हो, और कितना सुखद संयोग है कि आज के इस वर्ष की शुरुआत, इस दिन की शुरुआत हम पूज्य गुरुदेवों के आशीर्वाद के साथ कर रहे हैं। और अभी अभी हमने पूज्य देशमुख जी के नाना साहब से सुना भी कि वह वह के भावों के साथ हम इस साल की, इस दिन की शुरुआत करें। और हम सब ऐसा चाहते भी हैं, चाहते हैं। जब भी नया साल होता है, दिवाली होती है, ऐसा कोई भी त्योहार होता है, जो उत्सव मनाने का समय होता है, तब हम सब ये भाव करते हैं कि बस ये वाला साल हमारा द बेस्ट गुजरे। अब नया साल नया क्यों? रोज ही दिन नया उग रहा है, हर नया दिन, लेकिन हम उस नए दिन का उत्सव मनाना भूल जाते हैं। तो बार बार ऐसे उत्सव, ऐसे दिन आते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं कि चलो हर रोज ना सही, नया साल तो मनाओ। और आप देखो, हम कितने खुशनसीब हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले कितने नववर्ष मनाते हैं, है ना? अभी हम ये रोमन कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल मनाएंगे। कुछ महीनों बाद हम चैत्र माह में नववर्ष मनाएंगे। अभी कुछ ही महीने पहले हमने वीर निर्माण संवत के अनुसार नववर्ष मनाया। फिर जो व्यवसाय कर रहे हैं वो 1 अप्रैल से अपना नया साल शुरू करेंगे। हमारे आसपास और जिस जिस धर्मों और संप्रदायों के लोग हैं वो अपनी अपनी मान्यता अनुसार नववर्ष मनाएंगे। और हम हर बार ये उत्सव मना रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दिन तक हैप्पी न्यू ईयर रहता है। कैसे? व्हाट्सएप मैसेजेस, कैलेंडर बदलना है, फेसबुक पर अपडेट करना है, यहां सारी बातों तक तो हमें याद रहता है नया साल है, नया साल है। सेकेंड डे वो नया साल पुराना हो जाता है। पर अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, ये नया साल पूरे साल नया क्यों नहीं रह पाता? आप पेड़ को देखिए, वो अपनी सारी पत्तियां छोड़ देता है, पुरानी पीली हो जाती है, पीली हो जाती है, सूख जाती है, छोड़ देता है, पकड़ के नहीं रखता। नहीं नहीं, जब तक नया नहीं आएगा तब तक मैं पुराना रखूंगा, मैं कैसा देखूंगा, ऐसा कोई सोच नहीं। प्रकृति हर क्षण नई है, लेकिन नए के लिए क्या करना होता है? पुराने को छोड़ना। पुराने को छोड़ना जब तक नहीं होगा तब तक उस नए का स्वागत हम आनंदपूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे। हम नया दिन कैसे बनाते? नए कपड़े पहन लो, सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाओ, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए, मंगल पाठ मिल जाए, तो सब कुछ नया हो जाएगा। हमने क्या किया अपनी तरफ से? क्या जानकर, कुछ देर बैठकर, अपने आप को बूझते हुए हमने पुराने को छोड़ने का कोई उपक्रम किया? और जब तक ये उपक्रम नहीं होगा तब तक नए का स्वाद नहीं मिल पाएगा। आपके मुंह में ऑलरेडी आपने कुछ दबा रखा है, कोई नमकीन दबा रखा है, और फिर आप मीठा खाओ तो क्या मीठे का स्वाद आएगा? यहां तक कि आपने मीठा खाया हुआ है और फिर कोई दूसरा मीठा खाओगे तो भी स्वाद नहीं आएगा। अक्सर आप लोग कोई मिठाई खाकर ऊपर चाय पीते हो तो कहते हो ना, चाय तीखी लग रही है। क्यों? क्योंकि पुराने मीठे का स्वाद अंदर मुंह में है। जब तक हम पुराने का विसर्जन नहीं करेंगे, पुराने को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम नए को महसूस नहीं कर पाएंगे।
आनंद नहीं उठा पाएंगे, उसका उत्सव नहीं मना पाएंगे। हम पंछियों को हवा में उड़ते हुए देखते हैं ना, कितने हल्के होते हैं, तब उड़ पाते हैं। अगर उनके पंख भारी हो तो क्या वो उड़ पाएंगे? हम क्यों नहीं नई उड़ान भर पाते? क्योंकि हम पुरानी सोच, पुराने अनुभव, पुरानी यादें, हमारे पुराने वर्किंग स्टाइल सबको साथ लेकर चलते। जैन दर्शन हमें हर कदम कदम पर विश्रामी करने की प्रेरणा देता है। आज प्रभु पार्श्व का दीक्षा कल्याणक है, जिन्होंने हमें अपारं विश्रामी का संदेश दिया। आज प्रभु पार्श्व को अपने ध्यान में रखते हुए हम एक छोटा सा संकल्प अपने आप से कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, कि पुराना जो कुछ है, किसी के प्रति कोई हमने एक पर्टिकुलर सोच बना ली है, किसी के प्रति हमने एक धारणा बना ली है, मान्यता बना ली है, हमारा जो अपना वर्किंग स्टाइल है जिससे हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे हमारे व्यवसाय को, हमारे डे टू डे लाइफ में दूसरे कामों को कोई स्पीड नहीं मिल रही है, तो आज हम अपने उस मशीनरी की सर्विसिंग करेंगे, ओवरहॉलिंग करेंगे। कैसे? कि वो जो पुराना जमा हुआ कार्बन है ना, उसको हम छोड़ेंगे। जितनी बार हम अपानं वोसरामी बोल रहे हैं, चाहे प्रतिक्रमण करते हुए बोल रहे हैं, और अगर हम प्रतिक्रमण नहीं भी कर रहे हैं, तब भी हम इस अपानं वोसरामी को अपने जहन में इस तरह बसा लें कि जितनी बार हमें लगे कि मैं कहीं रुक रहा हूं, मैं कहीं सेगमेंट हो रहा हूं, मैं कुछ क्षण रुक कर इस वोसरामी को पूरी तरह से जी। और जैसे जैसे हम जीते चले जाएंगे इस वोसरामी को, यानी अनावश्यक को छोड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे अपने आप ही नए हो जाएंगे। फिर हमें नए होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर हमें नए होने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस बार, इस नए वर्ष पर हम एक संकल्प करें कि आज तक हम जो बने हुए हैं, हमने कितनी सारी चीजें ओढ़ रखी है ना, हम मम्मी बने हुए हैं, हम पापा बने हुए हैं, हम भाई बने हुए हैं, हम जहाँ काम करें वहाँ मैनेजर हैं, सब मैनेजर हैं, वट एवर पोस्ट, हम किसी के दोस्त बने हुए हैं, फिर कहीं कहीं पर समाज में भी हम बहुत सारे अहदों पर हैं, बहुत सारे पदों पर हैं, मतलब सिर्फ एक सदस्य ही क्यों ना, दोस्तों के बीच में दोस्त हैं, ऐसे बहुत सारी जगह पर हम बहुत कुछ बने हुए हैं। आज से हम ना बनने की शुरुआत करें, और जैसे जैसे हम ये ना बनने की शुरुआत करेंगे, वैसे वैसे हम जो हैं, जो हम वाकई हैं, जो हमारा होनापन है, वो उगड़ता चला जाएगा। इसलिए कुछ बनने की अपेक्षा जो बने हुए हैं उसको छोड़ने का उपक्रम करते चले जाएं, तो हम अपने होनेपन को पहुंच पाएंगे। Let's start this. Whatever we have become till date, let's start the process of unbecoming. Let's start this process. And then we will be what we really are, what we actually are. बचपन से तो हमें बनना ही सिखाया गया, हमें ये बनना है, वो बनना है, आप से उल्टा करेंगे, कर पाएंगे ना? कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमने शुरू कर दिया ना अभी इसी पर, तो यात्रा शुरू हो गई। ये संकल्प ले लिया कि हमें वाकई अपने होनेपन को जानना है,
वहां से यात्रा शुरू हो जाएगी और गुरुदेवों की वाणी, गुरुओं की वाणी हमें हर पल अपने होनेपन की ओर चलने का संदेश देती है, हमें रोजाना नित नए रास्ते सुझाती है, लेकिन हमने उसको भी कहीं ना कहीं एक रूटीन बना लिया है और इसीलिए कहीं ना कहीं हम चाहते हुए भी, ऐसा नहीं कि आप लोग चाहते नहीं है, चाहते तो है तभी तो आप गुरुओं के दरबार में आते, चाहते तो हम सब है, लेकिन हम शुरुआत नहीं कर पाते। और उस शुरुआत करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आज तुम गुरु को वंदन करो तो अपना सारा जो छोड़ना है ना, मैंपना, मैं ये, मैं वो, मैं वो, आज उनके चरणों में छोड़ ही जाना, पकड़ के मत ले जाना। कुछ नहीं करना, इतना इजी तरीका है, इतना इजी तरीका है कि जब गुरु को वंदन करो पूरा छोड़ दो, गुरुदेव आप जानो, बस मेरे भीतर वो लोचन उगाड़ दो। ये प्रार्थना तो करो और भरोसा करो। हम सब अपने इस होनेपन तक पहुंच ही जाएंगे, गुरुओं की कृपा प्रतिक्षण बरस रही है हम पर, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके औरा से हम अपने होनेपन को उघाड़ पाएंगे। आज हम अपने होनेपन की ओर पहला कदम बढ़ाएं, इसी संकल्प के साथ आप सभी को फिर एक बार नया साल मुबारक हो और अपने होनेपन की इस नवजात शिशु की तरह वो जो पहला दिन है ना, उसको आज हम सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। ये दिन हमें जगाने आया है, इररिलेवेंट कि हमने पहले एक नया वर्ष मना लिया या आगे मनाने वाले, ऐसे दिन जब भी आए उत्सव मनाने का बहाना हम ढूंढ लें और धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन ऐसा हो जाए कि हर दिन उत्सव हो जाए। पूज्य विराट गुरुदेव ने कहा है, हर दिन दिवाली अपनी, हर पल खुशहाली हो, आओ जुड़कर सभी चेतन जगावे, मस्ती मनावे, मस्ती मनावे, मस्ती मनावे, मस्ती मनावे। हम सब मस्त होकर अपना जीवन जिए, इसी सद्भावना के साथ ओम शांति।